नमस्कार, प्रथम खबर को स्वागत करुछु। आधुरी प्रथम हेडलाइंस। असुरक्षित सीमा संकट रे स्वाभिमान। आज जगन व नवीन का बैठक पूर्व आंध्र संकेत। कोटिया रे आधार कार्ड बांटिला। गजपतिर माणिक पाटन रे अनधिकार प्रवेश। सेपटे क्यांप पकाई नजर रखी ओडिशा। वरिष्ठ नागरिक महामंच सीमा भाषा जमी विवाद ने आशा आकांक्षा। जाइकोव डी आउ एक कोटि डोज पाई ऑर्डर देले भारत सरकार। टीका प्रस्तुत पाई कंपनी को डोज पिछा 265 टंका देव केन्द्र। 12 वर्ष और ताठारु अधिक वयस्कों को दिया जिबो ही टीका। भारत में प्रस्तुत विश्वर प्रथम डीएनए भित्तिक कोरोना टीका जाइकोव डी। राज्य में खसुची पारद। बढ़ुच्छे शीत थंडा और शुष्क वायु प्रवाहित होइतिबारु सारा राज्य में शीतर आरंभ। सबुठ थंडा कंधमाल 10 डिग्री तले पारद। दिन 9टा जाए कुहुडीर चादर तले घोड़े हो रही समग्र दारिंगबाड़ी अंचल। विजु स्वास्थ्य कार्ड ना प्रहसन। कार्ड नहीं घर हस्पिटाल शोषण शिकार होती रोगी। बाध्य हस्पिटाल 2 लाख टंका गणिले रोगी। सुंदरगढ़ हेमगिरी ब्लॉक गर्जन चोर गांव आसला अभियोग। रेलमंत्री झारसुगुड़ा जिला गस्तर द्वितीय दिन। आज जिलार विभिन्न समस्या नहीं करेंगे आलोचना। केन्द्रमंत्री गस्त को नहीं चलचंचल जिला बीजेपी। संध्या 5:30 दिल्ली फेरी रेलमंत्री। तमिलनाडु में वर्षा विपात। जलपंथी में चेन्नईर विभिन्न स्थान। आसंता 2 दिन प्रबल बर्षिव। तलिया अंचल जलमग्न होगा सह बन्या आशंका। मुकाबला प्रस्तुत थिबा कहिले एनडीआरएफ डीजी। संपूर्ण खबर को असुरक्षित सीमा संकट रे स्वाभिमान। सीमा भाषा जमी विवाद नहीं आशा आशंका सृष्टि होइछि। थरकु थर आंध्रर अनधिकार अनुप्रवेश। केतेबेले आंध्र मंत्री तो आउ केतेबेले अधिकारी धमक। गजपति रायगढ़ ब्लॉक माणिकपाटणा गाँव में थरकु थर आंध्र अनुप्रवेश करुथिबा बेले जिला प्रशासन चुप आउ भयभीत अंचलवासी। सेपटे कोटियारे मध्य आंध्र आधार कार्ड बांटिबा सह विभिन्न स्थान रे देखिवा को मिलिथिला विज्ञापन बोर्ड। बाची मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भेटा को आसुछंती आंध्र मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी। आलोचना बेले सीमा विवाद सह पोलभरम नेरेडी जल विवाद प्रसंग उठी पारे। दुई मुख्यमंत्री मध्य आलोचना अपराह 5:00-7:00 जाए चलो। सीमा भाषा जल विवाद को नहीं समाधान बाट बाहरी पारे आशा व्यक्त करिसंती केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान। या पूर्व केन्द्रमंत्री जगनमोहन रेड्डी को सीमा विवाद और ओडिया भाषार सुरक्षा नहीं पत्र लिखिते। तेज आज दुई मुख्यमंत्री मध्य आलोचना पर समस्या समाधान बाट बाहर कि ना देखा अपेक्षा। भारत में प्रस्तुत होता विश्वर प्रथम डीएनए भित्तिक कोरोना टीका जाइकोव डी आउ 1 कोटि डोज पाई ऑर्डर देते भारत सरकार। एथिपाई सरकार टीका प्रस्तुत करितबा कंपनी को डोज पिछा 265 टंका देबे। एहा बाद छुंचीहीन आप्लिकेटर पाई आउ 93 टंका लागिबो। कंपनी कहिछि केंद्र सरकार को ठारु परामर्श पाइबा परे एहार दर धार्य करा जायछि। तबे टीका को पारंपरिक पद्धति सिरिंज रे दियाजिबो नाही। बिना छुंची रे एहा को शिशु माने नै पारिबे। तबे जाइकोव डी टीकाकरण कार्यक्रम रे शामिल होइतबारु एने कंपनी पक्षरु खुशी जाहिर करा जायछि। जाइडस काडिला टीका पाई सरकार मोट 1128 टंका खर्च करिछन्ते। तबे एहार गोटिए डोज पाई लोकंको केवल 265 टंका देबाकू पड़िबो। अगस्त 20 रे भारत सरकार जाइडस काडिला प्रस्तुत करितबा जाइकोव डी को जरूरी कालीन व्यवहार पाई अनुमति देथिले। एहाको 12 वर्ष ओ ताठारु अधिक वयस्कंको दियाजिबो। एहार अर्थ भारत रे 18 वर्षरु कम वयस्क पिलांको पाई जाइकोव डी प्रथम कोरोना टीका। दुईदिनिया झारसुगुड़ा जिला गस्तरे रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव आज जिलार विभिन्न समस्या नहीं आलोचना करेंगे। केन्द्रमंत्री गस्त नहीं चलचंचल जिला बीजेपी।
गतकाली झारसुगुड़ा पहुंचा पर मंत्री को भव्य स्वागत करते बीजेपी कर्मी आज संध्या 5:30 दिल्ली फेरी रेलमंत्री ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ रही आम रिपोर्टर प्रकाश प्रकाश दुईदिनिया झारसुगुड़ा जिला गस्तरे केंद्र मंत्री बा रेलमंत्री अछंती अश्विनी वैष्णव कौन कौन आज सब कार्यक्रम रही देखंतु माधुरी गत काली 5:30 बेले झारसुगुड़ा पहुंचती केन्द्र रेल जोगाजोग एवं आईटी विभाग मंत्री अश्विनी वैष्णव आसला पर ठीक 10 मिनिट पर आरंभ होता एक समीक्षा बैठक दक्षिण पूर्व रेलवे उत्तर एवं पूर्वोत्तर रेलवे उपरे तापरे मंत्री साधारण जनता को किसी भेटी जो बुद्धिजी माने आसी जो दाबी थिला कि झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ केन्दुझर जिला को चक्करधरपुर डिविजन रु अलग कर राउरकेला एक स्वतंत्र डिविजन स्थापन करने दाबी रखी थे बुद्धिजी माने तापरे परे गणमाध्यम प्रश्न उत्तर मंत्री देते कि हाँ जदि आमर सुविधा हूँ आम किसी करू तापरे झारसुगुड़ा जिला को एक स्वतंत्र दृष्टि रखिए मंत्री काली कही आज ठीक तर जो कार्यकलाप अच्छी आज ठीक 10:30 बेले एक सांगठनिक बैठक में जोग देते से जो जिला जो समस्या जमीक बंदमुंडा हो कि झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन हो आमर झारसुगुड़ा रोड लाइन को नहीं कि बहुत किसी बैठक अच्छी तापर किसी सामाजिक संगठन को सहित मंत्री आज विचार विमर्श करेंगे तापर ठीक संध्या 5:00 बेले पुणी झारसुगुड़ा एयरपोर्ट रु दिल्ली प्रत्यावर्तन करेंगे जहां सुनवाई मिलूची प्रकाश आज जो बैठक रही आज जो आलोचना कार्यक्रम रही सब भितर अनेक किसी समस्या समाधान बाट बाहरी पारे आम आशा रखा हाँ काली जहां गणमाध्यम सामने मंत्री कही कि जमीक छोट छोट भी समस्या जदि ताकु भी आम समाधान करवा कारण झारसुगुड़ा परिका जिला जी राजस्व बहुत दौची रेलवे को कितु ये छोट छोट समस्या भी समाधान हो पारे जे जो जमीक ये फ्लाईओवर भी बहुत समस्या हो झारसुगुड़ा बड़ समस्या हूँ रेलवे फ्लाईओवर ता प्रति गुरुत्व दिजिव राज्य सरकार सहित कथा कि जो जमी अधिग्रहण ठीक से कर लोकंर जो मुख्य समस्या अच्छी ताको दूर करने आश्वासना दे मंत्री माधुरी ओके बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश राणा झारसुगुड़ा रिपोर्टर आम सहित रही आज द्वितीय दिन रही केन्द्र मंत्री झारसुगुड़ा गस्त और अनेक किसी गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना होबार कार्यक्रम रही राज्य में खसुची पारद बढ़ुचे शीत सकाल पखापाखि 9 जाए कुहड़ी चादर तले घोड़े हो रही समग्र दारिंगीपाड़ी अंचल काकर टोपारे मोतीर भ्रम सृष्टि करुछि फुलपत्र पहली शीतर बेस मजा ने अंचलवासी शीतुआ सका निजक फिट रखा को योग व्यायाम प्रातः भ्रमण करुछन्ते सबु वर्गर लोके खेला निजक फिट रखापी व्यायाम और खेलकूद जारी रखिंट गत काली दारिंगीबाड़ीर तापमात्रा 9.5 डिग्री रही बेले आज ताहा आहुरी तल को खसी अनुमान करा जाउछे ए बाबद्रे अधिक सूचना पाई आम सहित उदयगिरी रिपोर्टर जोड़ी रही राकेश राकेश वर्तमान शीतर धीरे धीरे आम देखु आगमन होगा अंचलवासी बेस यहाँ उपभोग कर हाँ देखो माधुरी बर्तमान समग्र राज्य में शुखिला पाग लग रही बर्तमान उत्तर पश्चिम दिग्वर थंडा और शुष्क वायु प्रवाहित हो समग्र राज्य को जहाँफल समग्र राज्य रातिर तापमात्रा 2-3 डिग्री कम रोच जहाँफल दारिंगबाड़ी गत 2 दिन है 9-10 डिग्री तापमात्रा रोच दारिंगबाड़ी बर्तमान जाड़ अनुभव होगा शीतर प्रकोप वृद्धि पाई जहाँफल बर्तमान सकालू सकाल लोक मैंने घर मत बाहर मुस्किल ही पड़ी तेज आम जब कह शीतर मजा ना पर्यटक मान लगे माधुरी ओके राकेश से दारिंगीबाड़ी बर्तमान तापमात्रा केते डिग्री पास सर्वनिम्न केते रेकर्ड करा जाए माधुरी गत काली दारिंगबाड़ तापमात्रा 10 डिग्री थी बेल फुलबाड़ 11.5 डिग्री रही है और आज तापमात्रा बर्तमान सुधा जमापड़ी जहाँ अनुमान कर गोटे 2 डिग्री आज तौक खसी संभावना रही माधुरी ओके बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपंकर तमाम सूचना पाई कौटा कौटी दारिंगीपाड़ी में शीतर आस्तरण खेली बेले लोके बेस उपभोग कर
से परवर्ती खबर को भारतर दक्षिण राज्य तमिलनाडु रे वर्षा बिपात चेन्नई एवं आखपाख अंचल रे प्रबल वर्षा जो बन्या परिस्थिति सृष्टि होछि। हठात सृष्टि होइतिबा एही परिस्थिति जो जनजीवन अस्तव्यस्त होइ पड़िछि। सेपटे आसंता 8-9 तारीख रे राज्य रे प्रबल वर्षा एवं 10-11 तारीख रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा ने पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणिपाग केन्द्र। प्रबल वर्षा जो सहरर तळिया अंचल जलमग्न हेबा सह किछि नदी रे बन्या आसी पारे। एहाकु नजर रे चेन्नई रे तळिया अंचल रे रहुथिबा लोकंकु सुरक्षित स्थान को स्थानांतर पई परामर्श दिया जायछि। आसंता 4 दिन पर्यंत दक्षिण पश्चिम एवं एहार संलग्न पश्चिम मध्य बंगोपसागर एवं दक्षिण आंध्रप्रदेश तमिलनाडु उपकूल रे घंटा प्रति 60 किलोमीटर बेगरे पवन बहिपार पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग। किया गया है IMD द्वारा, तो इसी की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उसके परिप्रेक्ष्य में जो भी तैनाती होनी चाहिए, जो भी पूरी तरह की जो तैयारी होनी चाहिए, वो सब करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी कटिबद्ध है और हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा, अभी विचार विमर्श चल रहा है कि कहाँ पर कितनी टीमें लगाई जाएंगी। चेन्नई शहर पर ज़रूर हमारा फोकस है, तवज्जो है, और मुझे लगता है कि अर्बन फ्लडिंग को अवॉइड करने के लिए जो 2015 या 16 में जो घटना हुई थी वैसी ना हो, इसी की तैयारी में हम लोग जुट गए। पास्ट 24 आवर्स में चेन्नई में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया है। अभी हमारा उम्मीद है कि तमिलनाडु और साउथ आंध्र प्रदेश में जो बारिश हो रहा है वो कंटिन्यू करेंगे और कल के हिसाब से आज इंटेंसिटी स्लाइटली कम होगा, मगर फिर 9 तारीख को एक लो प्रेशर एरिया साउथ ईस्ट वे ऑफ बंगाल पे बन रहा है एंड लो प्रेशर एरिया धीरे धीरे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट दिशा पे गति करके एक डिप्रेशन में परिणत होगा और 11 तारीख सुबह नॉर्थ तमिलनाडु कोस्ट के पास केंद्रीभूत होगा। इसके प्रभाव में 10 तारीख और 11 तारीख को तमिलनाडु और एडजनिंग साउथ आंध्र प्रदेश में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस में हो सकता है और आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल हो सकता है 10 तारीख को और 11 तारीख को। आज बरगड़ जिला अतापिरा 6 घंटिया बंद, यही बंद को समर्थन करिछि बणिक संघ। बंद रु जरूरीकालीन सेवा को बाद दिया जायछि। बंद प्रभाव रे दुकान बजार बंद रहिछि। गत गणेश पूजा दिन स्थानीय दुर्गा मंदिर चोरी घटना को नै यही बंद पालन करा जाउछि। अतापिरा रिपोर्टर कौशिक महाकुड़ा आम सहित जोड़े रही। कौशिक, बंद र प्रभाव कि देखुंत आज? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଅତାବିରାରେ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ଗଣେଶ ପୂଜା ଦିନ ଅତାବିରା ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ବହୁତ ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅତାବିରା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଏସ୍ପି ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ଅତାବିରା ପୋଲିସକୁ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାକୁ ଯାଇ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କରାହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ବି ପୋଲିସର ହାତ ଖାଲି ରହିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଅତାବିରା ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖା ଦେଇଥିଲା ଗତ 2 ଦିନ ଧରି। ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ କିଛି ଏହା ଉପରେ ଦୃଢ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ନେଇ ଗତ ରାତିରେ ବିଳମ୍ବ ସମୟ ନେଇ ମିଟିଂ ହେଲା ଆଉ ଆଜି ଦୋକାନ ବଜାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 6 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଅତାବିରା ବଣିକ ସଂଘ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ କରି ତାକୁ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିଛି ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବାକୁ ବାଦ ଦେଇ ବାକି ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅତାପିରା ରିପୋର୍ଟର କୌଶିକ ମହାକୁଡ଼ା ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଅତାପିରା ଆଜି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି 6 ଘଣ୍ଟିଆ ଏବଂ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ଚୋରି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଏହି ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ପାଖାପାଖି 6 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦରେ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଛି, କେବଳ ଜରୁରୀ ସେବାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ନାଁରେ ପ୍ରହସନ, ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ତ ଦୂରର କଥା, କାର୍ଡ ନେଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଦହଗଞ୍ଜ ହେବା ସହ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୋଷଣର ଶିକାର। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହେମଗିରି ବ୍ଲକ ଗର୍ଜନଚର ଗ୍ରାମରୁ। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥାଇପି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଣିଛନ୍ତି ରୋଗୀ।
ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ। ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା କେବଳ ଭାଷଣ ବାଜି। କାର୍ଡ କୌଣସି କାମକୁ ଆସିବନି ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ମନା କଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସଂଯୋଜକ। କାର୍ଡ ଥାଇ ବି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଗଣିଲେ ରୋଗୀ। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେମଗିରି ବ୍ଲକ ଗର୍ଜନଜୋର ଗ୍ରାମରୁ। ବେଲେ ଏବେ କିଛି ହବନି କି? ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ମେଡିକାଲ ଆସୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ମେଡିକାଲ ଆଡମିସନ ହେଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କହିକି ଜାଣିନଥିଲୁ ନା? ଆପଣ ଜି ଜି ଆପଣ କାଉନସିଲିଂ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କାର୍ଡ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଦେଇଦେଲେ, ସ୍ୱାଇପ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିନି ଗହମ ଚାଉଳ ମିଳିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିଲେ ତ କ'ଣ କହିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସଂଯୋଜକ? ଏହା କୌଣସି ରାସନ କାର୍ଡ ନୁହେଁ ଯେ ଏହାକୁ ଦେଖାଇଲେ ଚାଉଳ ଗହମ ମିଳିଯିବ। ଯଦି ଟଙ୍କା ନଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଏ କାର୍ଡ କୌଣସି କାମକୁ ଆସିବନି ବୋଲି ସିଧା ସିଧା ମନା କରି ଫେରାଇ ଦେଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସଂଯୋଜକ। ବେଲେ ଏବେ କିଛି ହବନି କି? ଯେତେବେଳେ ମେଡିକାଲ ଆସୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଅର୍ଥ ଅଛି, ଏଇଭଳିଆ ମେଡିକାଲ ଆସୁଛି, ମୋ ପାଖରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଇ ମେଡିକାଲ ଆଡମିସନ ହେଲେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ। ତ ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ କହିକି ଜାଣିନଥିଲୁ ନା? ଜିଜି ଆପଣ କାଉନସିଲିଂ କରିଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଏହି ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ କାର୍ଡର ବାସ୍ତବତା ନେଇ ଉଠିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଘଟଣା ଅନୁଯାୟୀ ହେମଗିରି ଗର୍ଜନଜୋର ଗାଁର ସଂଯୁକ୍ତା ଜୟପୁରିଆଙ୍କର ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଓ ପରେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଠାରେ ନ୍ୟୁରୋ ସର୍ଜନ ନଥିବାରୁ ସେଠାରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ସଂଯୁକ୍ତା। ପାଖରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲେ କ'ଣ ହେଲା? ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ପରିବାର ଲୋକେ। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ବାସ୍ତବତା। ଏହି କାର୍ଡ କୌଣସି କାମକୁ ଆସିବନି ବୋଲି ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଦେଇ ଅର୍ଥରାଶି ଜମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ସଂଯୋଜକ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ବିକି ଶେଷରେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ପରିବାର। ମୋର ଝିଅଟା ଆଜ୍ଞା ବାଇକ୍ରେ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକିରି ତାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାରପରେ ମୁଇଁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ, ହେମଗିରି ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲି, ବୁର୍ଲାରେ ବି ନେଲି, ସେଠି କାମ ଦେଲାନି ବୋଲେ ତାରପରେ ମୁଇଁ ଦେହା ଦେଖିଲି। ମୋର ଝିଅର ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଖରାପ ଥାଏ, ଆଗ ଲେହେଟେଇ ଥାଏ, ତାର ବିଷୋର ଥାଏ, ମରବାର ଉପରେ ହେଉଥାଏ। ଆଜ୍ଞା ତୁମର ଯେନ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛେ, ଯେନ୍ ଆମର ନବୀନ ସରକାର ଦେଇଛେ, ସେଥି ବି ହେଇପାର୍ସି କହିଲେ ବୋଲେ ସେ ହିସାବରେ ମୁଇଁ ପଳେଇ ଗଲି। ଆଜ୍ଞା ମୋର ପାଖେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ଲେକିନ୍ ଯାଇକି ଦେଖିଲି ଯେନ୍ତା ବାଘ ବିଲ୍ ଭିତରେ ଥାଇକରି ଆଜ୍ଞା ଯେନ୍ତା କୁଲିହା ଢୁକି ଗଲେ ଘାଓ କରି ଚାବି ଦେସି, ସେଇ ଭଳିଆ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ମୋତେ। ମୋର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଥାଇକରି ମୋର କାଁ ଫାଇଦା? ନବୀନ ସରକାର ଦେଲେ ଯେ ବି ସେଇଟା କାଁ ଫାଇଦା? ହଁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକର ଆମର କିଛି ପଇସା ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଆମର ଜୀବନ ଯିବାର ଉପରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୋର ଝିଅ ବି ଆଜ ଯାଏ ଅସୁସ୍ଥ ଅଛେ ନା, ଭଲ ତାର ଦିମାଗ ଆସିନି, ତାର ୟାଦାସ ବି ପଳେଇ ଯାଇଛେ, ସୁର ସୁତା କରିନି ପାରବାର। ସେପଟେ ସାମାନ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପରେ ନିଜ ଗାଁକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା। ହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଔଷଧ କିଣିବା ସହ ପୁଣି ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ନଥିବାରୁ ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ସତ୍ତ୍ୱେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଅର୍ଥ ଫେରସ୍ତ ନେଇ କୌଣସି ଆଶା ରଖିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୋଇଥିବା ଅପମାନ ଏବଂ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରକୁ ଭୁଲି ପାରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ କାକା। ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମିତ୍ର ମାନେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଯେ ଆଜ୍ଞା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ମୋ ଝିଆରୀର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଥିରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଏବଂ ସେମାନେ ସାଫ ସାଫ ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାସ୍ରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ରେ ହୋଇପାରିବନି। ଏହି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯେହେତୁ କାମ ଦେଉନି, ନବୀନ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭର୍ମିତରେ ନ ଡାଲନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ନିଜେ ସେଇ ଜାଗାରେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଜାଗାରୁ 2 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଆସିଛି। ଆଜି ମୋ ଘରର ବଳଦ ଥିଲା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା, ଘର ବନେଇବୁ କହି 50,000 ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲୁ, ସେଇଟା ଗଲା, ଜମି ବନ୍ଧକ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଧରି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଆଶା ରଖିଥିବା ସଂଯୁକ୍ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଆଶା ପାଣିରେ ମିଳେଇ ଯାଇଛି। ଚିକିତ୍ସା ତ ମିଳିଲାନି, ହେଲେ ତା ବଦଳରେ ମିଳିଲା ଅପମାନ ଓ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର। 2 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି ସଂଯୁକ୍ତା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ତାହେଲେ କାହା ଲାଗିବ?
विजु स्वास्थ्य कार्ड ना रे सरकार काहिंकि पिटुछंती डिंडिम वास्तवता आ प्रचार भितरे आकाश पाताल फरक थिबा बेले दुर्व्यवहार करितबा विजु स्वास्थ्य कार्ड संयोजकक विरोध रे केबे नियाजिबा कार्यानुष्ठान। सुंदरगढ़ रु कैमरा पर्सन उपेन्द्र महाराणा सह सागर पटनायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज। विपद संकुल अवस्था रे दांतिया मुहार माछुआ पोल जीवन को बाजी लगाई जातायत करुछंती मयूरभंज जिला मोरडा और बेतनटी ब्लक बासिंदा। 2013 फाइलिन समय पोलटी क्षतिग्रस्त होते एजाए प्रशासन नजर पड़ुनि कि मरामती होनी पोल तले बाली बस्ता थोई जास करुछंती लोके केतेबेले जे अघटन घटिब ताहा कहि हेबो नाही। विपद संकुल अवस्था रे मयूरभंज जिलार माछुआ पोल मरण जनता पलटिछि माछुआ पोल जीवन को बाजी लगाई जास करुछंती लोके। मयूरभंज जिला मोरडा और बेतनटी ब्लक लाइफ लाइन माछुआ पोल दुईट ब्लक को संजोग करुथबा एही पोल एबे जराजीर्ण अवस्था रे राति पाहिले मोरडा और बेतनटी ब्लक हजार हजार लोक ए माछुआ पोल दे बारीपदा बालेश्वर दांतिया मुहा हाट को जीवा आसवा करती किंतु पोलटी एवं झुलंता अवस्था रही बेले केतेबेले जे भुसुड़ी पड़ कही हेनी एवं ग्रामवासी पोल तले बाली बस्ता पैकिंग करिछंती किंतु प्रशासन पक्ष एजाए नि कौन पदक्षेप पोल आज दीर्घ 40 वर्ष 40-45 वर्ष है कम होता निम्नमान पारे कि पथर उपर कम होती तो यहाँ से यार भल कम होतीपाई आज पोलर परिस्थिति खराब माने तले बर्तमान बाली गाँ लोक आसिक बाली बुरा दे कि पारौन पुलटा केतेड़े बाली जदि केतेड़े बनार जो बाली बुरा धोई जीव तब पुलटा अचल हो दुटा ब्लॉक दुटा एमपी दुटा एमएलए कही शुणुना कौन कह सरकार को सरकार को आर कीटा कहबार ताकर जते बेले मन हो करबे आमे जते कहले से शुणुना। 1984-85 मसीहा रे एही पोलो निर्माण करा जायथिला मात्र एबे एहा विपद संकुल अवस्था रे 2013 मसीहा रे फाइलिन बातरे पोलोटी भांगी जायथिला एहा परे ग्रामवासी बाली पैकिंग करथिले मात्र प्रशासन पक्षरु मरामती पई कोनोसी पदक्षेप निया जाय नथिला। प्रतिदिन ए पोलो दे हजार हजार लोके जास करथले भी काहे कि मरामती करा जाउनी ताकु नै प्रश्न सृष्टि होइछे यही बर्तमान हूँ से पुलटार अवस्था किसी नाईटा को किमती त्वरावित करने पुनर्बार आउ थे रिपेयरिंग कर नुआ गोटे गढ़ा जाऊ बहुत भय लगे खाली बाध्य हो जाऊ अलग रास्ता ना बोलिक जावास करुचे जदि अलग किसी रास्ता था कहीं भी जाते ना आज को 13 मसीह भांगिक विपद संकुल अवस्था अच्छे जदि पोलटा नूतन भाव आउ थे पारंता तेल आम अंचलवास बहुत खुशी विपद संकुल अवस्था झुलुची पोल दीर्घ दिन दाबी पर भी होनी मरामती कौन कौन बड़धरणर अघटन को अपेक्षा कर प्रशासन मरण जनता पाल्टी माछुआ पोल जोटा कि मयूरभंज जिला मोरडा ब्लक दातीआमा पंचायत रही पोल प्रतिदिन 5-10 हजार दुईट ब्लक बासिंदा जीवन मरण बाजी प्रतिदिन लगुच ना ये दृष्टि पड़ी सरकार ना ये दृष्टि पड़ी राजनेता तो देखा बाकी रहा के पोल को पुनर्निर्माण सरकार कर पुलिस विरोध में मेली बांधि प्रतिवाद कला दलित अधिकार मंच पीड़ित परिवार को न्याय दाबी रे पदयात्रा सह खड़ियाल थाना घेराव पुलिस निष्क्रियता को नहीं उठिला प्रश्न नुआपड़ा जिला रो देखिबा रिपोर्ट। पुलिस विरोध में मेली दलित अधिकार मंचर रणहुंकार हत्याकारी को खोजिबारे खाकीर निष्क्रियता खड़ियाल थाना घेरी जोरदार प्रतिवाद गत 20 तारीख घटना नुआपड़ा जिला बरपदर अश्विनी बेहरा मृतदेह केनाल निकट उद्धार होता एने खड़ियाल थाना अभियोग करते परिवार लोक जमीबाड़ी विवाद को केन्द्र कर हत्याकांड होता अभियोग हेले 19 दिन बीती जाते भी चुप रही पुलिस जहार प्रतिवाद रे दलित मंच रास्ता खोल मृतकों परिवार को न्याय पाई पदयात्रा सह खड़ियाल थाना घेराव
पुलिस निष्क्रियता नहीं प्रश्न उठी काहीक अभियोग सत्वे घटना तदंत हो पुलिस कौन रही स्वार्थ प्रश्न करके अंपटे खड़िया थाना एसडीपीओ घटनार तदंत कर दोषी को धर जा प्रतिश्रुति आई से दस दिन समय मागिंट उन्नीस तारीख तार मर्डर होती कोड़े तारीख आमको रिपोर्ट भी आसी तुम जाकि इनक्वेस्ट कला जमापड़ा आक्चुअली गोटे ब्रुटाल मर्डर टाइटा सब जगार आनालीसीस होती आम आहरी किसी जगह भी मगेज सब जिनस आमको आगे प्रूफ मिलने एविडेंस मिलने आम डिसाइड करूँ आक्चुअली दोषी किए कारण एमती भी नुहे मर्डर केस एट कम एविडेन्स क्या फरार कर प्रश्न अश्विनी मृत्यु घटन मिल पर न्याय सठिक तदंत कर कार्यानुषान नेब तो पुलिस ना पुणी कहा चपरे आसी समय गड़ाइब पुलिस नुआपड़ वीडियो जर्नलिस्ट चंद्रशेखर सह युधिष्ठिर पटेल रिपोर्ट अर्गस न्यूज। समय सारी बुलेटिन को रखु नमस्कार।